हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू अन अकेडमी। कैन यू लिसन टू मी एंड कैन यू सी द स्क्रीन? आपको आवाज़ आ रही है? मैं दिखाई दे रहा हूँ? तो गुड मॉर्निंग आशु, मधु, मोहित प्रजापति, भानु शंडेर, प्रिया रानी, कृष्ण मिश्रा, केसरी लाल यादव भी आ गए हैं भाई, और अनमोल सिंह भी आ गए। तो हम सेशन करते हैं फटाफट स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग अ सिंगल मिनट, ठीक है गाइस। माय नेम इज दानिश जफर, आप सब जानते हैं। 10 साल से मैं अलग अलग कंपैरेटिव एग्जाम्स में पढ़ा रहा हूँ, पीएचडी किया है इंग्लिश में और सर्टिफाइड हूँ एरिजोना स्टेट यूनिवर्सिटी यूएसए से आप सबको पढ़ाने के लिए। अभी हम बात करेंगे अन अकेडमी सब्सक्रिप्शन के बारे में, जो सबसे बेहतरीन सब्सक्रिप्शन है जिसको लेने में सिर्फ फ़ायदा तो है, आपका नुकसान कहीं से कोई भी नहीं है। आपको करना क्या है, बस आपको जल्दी से जस्ट अ सेकेंड, आपको करना क्या है कि जल्दी से आपको डेली लाइव क्लास सेलेक्ट करना है, ठीक है। और ये जो डेली लाइव क्लास जो होती है ना, जो कुछ आपको अन अकेडमी में मिलता है वो मैं आपको बता रहा हूँ, वो बेस्ट है। जो अन अकेडमी में आपको क्लास मिलती है उससे बेहतरीन क्लास ही नहीं होती, क्योंकि ये आप अपने एजुकेटर के साथ एंगेज हो सकते हैं, डिस्कशन में डाउट पूछ सकते हैं और पोल्स में आंसर भी कर सकते हैं। साथ ही साथ आप मॉक टेस्ट दे सकते हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, और बेशुमार मॉक टेस्ट मिलेंगे आपको अन अकेडमी में। इसके लिए कुछ पे भी नहीं करना है आपको, छोटे छोटे स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज होते हैं, ठीक है, जहाँ से आप बेशुमार सीख सकते हैं। जितने भी स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज होते हैं वो आपके एग्जाम के अकॉर्डिंग ही बनाए गए होते हैं। साथ ही साथ अनलिमिटेड एक्सेस होता है, मतलब आपके पास खूब सारे टीचर्स हैं, खूब सारा कॉन्टेंट है, लाइव रिकॉर्डेड सब कुछ, और ये सब अन अकेडमी आपको फिलहाल 250 रुपये पर मंथ में दे रहा है। इससे बेहतरीन मौका आपको मिलेगा नहीं। आपको करना क्या है, जल्दी से अनअकैडमी ऐप को इंस्टॉल कर लेना है और उसे अपने फ़ोन में इंस्टॉल करके ये एसएससी कैटेगरी सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करके ये 2 साल वाला जो है ये बेस्ट है, इसे ख़रीद लीजिए। आजकल इस पे 4 महीने एक्स्ट्रा मिल रहे हैं, 7,800 पे है ना, 4 महीने एक्स्ट्रा मिल रहे हैं। बस आपको करना क्या है, ये कूपन कोड लगाना है दानिश 10, DANISH दानिश 10, ठीक है। तो ये आपको 7,800 नहीं 7,200 का पड़ेगा, और 24 महीने नहीं 4 महीने एक्स्ट्रा मिलेंगे 28 महीने का। तो इस हिसाब से आपको लगभग 250 रुपये पर मंथ पड़ जाएगा, ठीक है। जिसको चाहिए वो आप आराम से ले सकते हैं। यहाँ पे लिख भी दिया है कि देखिए 2 ईयर के सब्सक्रिप्शन पे 4 महीने का आपको फ्री मिल जाएगा और 1 महीने पे आपको 2 महीने का फ्री मिल जाएगा। अब हम बात करेंगे कि भाई आज क्या है और आज कितना इंपॉर्टेंट दिन है और आज का सेशन ये मैं क्यों लेकर आया। देखो, मैं रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन सीधे ऐसे ही डायरेक्ट आके करा रहा था, तो बच्चों को बहुत सारे इशू आ रहे थे कि सर रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन करते कैसे हैं, ये तो हमें पता ही नहीं है। सर करते करते हम थक जाते हैं, ये तो हमें पता ही नहीं है। सर मीनिंग तो हमें पता नहीं है। सर एनालिसिस तो होता नहीं है। तो मैंने क्या किया है, ये जो सेशन निकाले हैं ये सुबह 8 बजे वाले सेशन है, ये हर दिन होगा आप सुबह 8 बजे, मंडे टू फ्राइडे, ठीक है, मंडे टू फ्राइडे ये हर दिन होगा। और इसका टारगेट क्या है कि मैं आज जैसे आपको रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन करा रहा हूँ, ठीक है, तो कल PQRS होंगे, सेकेंड डे PQRS हो जाएगा, थर्ड डे क्लोज टेस्ट होगा, समझ लो भाई पहले सेशन क्लास कैसे चलेगी। और बच्चा चौथे दिन ना मैं इन तीनों का एक कंबाइंड टेस्ट ले लूंगा, इस तरीके से क्लास चलेगी। तो हर वीक मैं आपको 2 से 3 रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के बारे में डिटेल में समझाऊंगा। आज जो मैं आपको रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन कराऊंगा, सिर्फ आपको रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन कराऊंगा नहीं, उसके बारे में पूरा समझाऊंगा, ये भी बताऊंगा कैसे करना है ना, क्या करना है, समझ में आ रही है बात। तो ये सेशन ऐसा है, हाँ डेली क्लास होगी, तो ये सेशन ऐसा है क्योंकि एग्जाम्स आने वाले हैं, ठीक है। 2 महीने में जैसे ही लॉकडाउन खुलेगा, 2 महीने बाद सारे एग्जाम्स तुम्हारे सर पे रखे होंगे, हर 10 दिन में 15 दिन में एक एग्जाम होगा, तो उस टाइम तुम्हारे सामने एक बड़ी चुनौती होगी। तुम अपनी रीडिंग स्किल्स भाई PQRS सारी चीज़ें तो अच्छी नहीं कर सकते ना एकदम, तो हर कोई भीष्म पितामह नहीं होता। तो मैं इसलिए क्या कर रहा हूँ, थोड़ा थोड़ा करके आपको रोज़ाना सिखाऊंगा, ठीक है। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन से, मैं तरीका बताता हूँ। देखिए रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन जब भी हम करेंगे ना, तो सबसे पहली चीज़ हमें क्या करनी है, ये बात याद रखिए, ठीक है। सबसे पहली चीज़ आपको करनी है रीड द क्वेश्चंस हमेशा। देखो इससे एक बड़ा छोटा सा फायदा, इसमें तुम्हें मुश्किल से कितने सेकंड रखेंगे सारे क्वेश्चन पढ़ने में, मान लो सारे क्वेश्चन पढ़ने में तुम्हें 20 सेकंड लग गए, 20 सेकंड्स, ठीक
ठीक है, इससे ज़्यादा तो नहीं लगने, किसी भी हाल में नहीं लगने इससे ज़्यादा। 20 सेकंड में सारे क्वेश्चंस पढ़ लोगे, अब तुम्हें पता चल गया कि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन किस बारे में है। ठीक है, ये साइंस की बात कर रहा है, ये फिक्शन की बात कर रहा है, ये आर्ट की बात कर रहा है, ये इकोनॉमी की बात कर रहा है, ये तुम्हें एग्जैक्टली पता चल जाएगा। तो इसलिए हम सबसे पहले रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पढ़ लेंगे। ठीक है, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पढ़ने के बाद फिर हम पैसेज पे जाएंगे। सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ लेंगे, फिर हम पैसेज पे जाएंगे और पैसेज को अच्छे से पढ़ेंगे, है ना, डिटेल में पढ़ेंगे, डिटेल में। पूरा पैसेज डिटेल में पढ़ने में मैं मानता हूँ कि आपको 2 मिनट लग जाएंगे मिनिमम। ठीक है, 2 से 5 मिनट, अगर आपकी रीडिंग स्पीड ख़राब है तो 5 मिनट भी लग सकता है, 2 से 5 मिनट लग जाएंगे। और फिर उसके बाद जब आप क्या करेंगे, फिर उसके बाद हम क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करेंगे, क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करेंगे। अब क्वेश्चंस को कितने देर लग जाएगी, जब तुमने पढ़ भी लिया, पहले भी क्वेश्चंस देख लिए थे, तो हार्डली हार्डली 1 मिनट में तुम सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर लोगे। 5 क्वेश्चन है तो 5ों के 5ों तुम 1 मिनट में आराम से अटेम्प्ट कर लोगे, या मैं कह रहा हूँ चलो तुम थोड़े से सुस्त हो तो 2 मिनट में कर लोगे। तो पूरा रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन तुम्हारा 7 मिनट में मैक्सिमम बता रहा हूँ, मैक्सिमम मैक्सिमम बता रहा हूँ, मैक्सिमम 7 मिनट में हो जाएगा। और यही टाइम आप देखेंगे घट के 1 महीने में 3 मिनट में आप रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन करने लगेंगे। तो आपको करना क्या है, आपको बस सेशन में जुड़े रहना है, सेशन को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए, अपनी और मेरी दोनों की आत्मा को तृप्त कर दीजिए, है ना, और लग जाइए रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। स्टार्ट करें भाई, जल्दी से स्टार्ट करते हैं। सर पैसेज 2 बार दिखा सकते हो क्या क्वेश्चन के टाइम? बिल्कुल दिखाएंगे, जब आप क्वेश्चन कर रहे होंगे आप एक बार मुझे बताना, मैं 10 सेकंड के लिए पीछे जाऊंगा। पर हमें कोशिश ये करनी है कि हम क्वेश्चन करते में पीछे जाके पैसेज को देखें नहीं, यही सही तरीका होता है। अगर हमारी ये आदत पड़ जाती है तो हमारे रीडिंग स्किल्स एकदम शानदार हो जाते हैं। ठीक है, सो लेट्स गो फॉर इट। ये आ गया आपके प्यार में रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, पर हम इससे बाद में पढ़ेंगे, छोटा सा रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन है, बाद में पढ़ेंगे। पहले हम क्या देखेंगे कि किस बारे में बात कर रहे हैं, और नोट्स बनाते हुए चलेंगे। ठीक है, आप मेरे साथ नोट्स बनाते हुए, हाँ मैं एक वीडियो टाइम मैनेजमेंट पे बना दूंगा, आप मुझे याद दिला दीजिएगा। ठीक है, जल्दी आज ही भेज दूंगा एक वीडियो टाइम मैनेजमेंट पे। ठीक है, व्हाट आर वेल कंसिडर्स मैमल्स, तो वेल्स के बारे में बात हो रही है, ये बात याद रखिएगा। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है, Why does a whale need to come out of water frequently? कि whale पानी से बाहर क्यों आती है, ये बात ध्यान रखना, इस पे वो क्वेश्चन पूछेगा। क्वेश्चन पूछा है मतलब पैसेज में इसका आंसर है। तीसरी चीज क्या है, Having a whale of time, ये यहाँ पे एक इसने लाइन यूज की है ना, ये idiom भी हो सकता है, फ्रेज भी हो सकता है, इसका ध्यान रखना, इसका क्या मतलब होगा। बस ऐसे आपको नोट बना के रखना है। Why do the whales need blubber? अब ये blubber क्या होता है, ये आप आगे जानेंगे कि वेल्स को ब्लबर की क्या जरूरत होती है। ठीक है, और पांचवा और जो आखिरी क्वेश्चन ये आपसे पूछ रहा है, वेल्स डू नॉट हैव गिल्स, वेल्स के गलफड़े नहीं होते, गिल्स नहीं होते, क्यों नहीं होते हैं। ठीक है, चलो लेट्स मूव फर्दर और अप लगाते हैं क्वेश्चन। देखो भाई, भागने वाले के लिए नहीं है, ये मुझे बहुत गंदा लगता है, जो भागता है ना क्लास से उससे ज्यादा मुझे कायर नहीं लगता कभी कोई, मुझे समझ में नहीं आता कि भाई भागने की वजह क्या है। अगर बच्चा सुबह 8 बजे उठ के तुम आ रहे हो तो फिर भागने की वजह क्या है और भाग क्यों रहे हो। ठीक है, भागना सोल्यूशन नहीं है, किसी भी चीज से भागना सोल्यूशन नहीं है। तैयार हो तो मैं रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन दूंगा, और देखो मैंने तुम्हें पहले भी बताया, मैंने तुमने पहले भी देखा, मैंने सेशन खत्म कर दिए। अगर तुम्हारा इंटरेस्ट नहीं होगा ये सेशन खत्म हो जाएगा। ठीक है, अगर मुझे लगेगा ये बच्चा नहीं चाह रहा इस सेशन को, मैं सेशन अपने बच्चे के प्यार में लेके आता हूँ, और अगर तुम्हें ये सेशन नहीं चाहिए तो मैं सेशन को बंद कर दूंगा, है ना, इट्स वेरी सिंपल। चलो लेट्स गो फॉर इट। ये मैं रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आपको दिखा रहा हूँ, जब आप इसे पढ़ ले तो एक बार डन लिख दीजिएगा, फिर मैं आपको उसके पूरे का मीनिंग बता दूंगा।
हाँ भाई, जब आप पढ़ लें एक बार डन लिख दीजिएगा, फिर मैं इसे पूरा एक्सप्लेन कर दूंगा बहुत शॉर्ट में। ऐसा नहीं है बिना एक्सप्लेन करे आगे बढ़ेंगे। हाँ चलिए एक बार मैं इसे एक्सप्लेन करता हूँ, आपने डन लिख दिया। देखिए बहुत सिंपल है, ये कह रहा है व्हेल्स जो है ना दुनिया के सबसे बड़े जानवर हैं जिन्हें हम आज तक जानते हैं। हम किसी और जानवर को नहीं जानते जो व्हेल से बड़ा हो, ठीक है। वो शायद इसलिए है इसका जो है ना, और दैट्स परहैप्स द ओरिजिन ऑफ द इडियम हैविंग अ व्हेल ऑफ टाइम। और कह रहा है इसीलिए हमारे पास ये एक इडियम भी है, क्या है, हैविंग अ व्हेल ऑफ टाइम। ठीक है, कि सदा मतलब व्हेल जो है सदा के लिए है और हमेशा के लिए है, वो सबसे बड़ा जानवर है। दे आर फाउंड इन ओशंस एंड ऑल्दो दे रिजेंबल ह्यूज फिश। कह रहा है ये मिलता तो ओशन में है, समुद्र में मिलता है, और लगता भी मछली जैसा है, बहुत बड़ी मछली जैसा, पर मछली होता नहीं है, दे आर मैमल्स। अब मैमल कौन होते हैं? मैमल वो वाले जानवर होते हैं जो अपने बच्चों को दूध पिलाते हैं। आपने सुना होगा कि जो मछलियां होती हैं वो अंडे देती हैं, व्हेल अंडे नहीं देती, व्हेल अपने बच्चों को दूध पिलाती है, जैसे कि लायन, जैसे कि टाइगर, तो ये मैमल होती है। वन इम्पॉर्टेंट वे दे डिफर फ्रॉम फिश, कह रहा है एक इम्पॉर्टेंट तरीका है जब ये फिश से अलग होते हैं, इनका वो है इनका बॉडी टेम्परेचर, ये वार्म ब्लडेड होते हैं। ठीक है, आपने सुना होगा बायोलॉजी में, किसी ना किसी टीचर ने जीवन में जरूर पढ़ाया होगा, वार्म ब्लडेड और कूल ब्लडेड एनिमल्स जो होते हैं, कह रहे हैं ये वार्म ब्लडेड होता है, इसलिए इनका जो टेम्परेचर होता है रिमेन कॉन्स्टेंट, वो एक जगह स्थिर रहता है। कॉन्स्टेंट का क्या मतलब है? स्थिर रहता है डिस्पाइट द सराउंडिंग क्लाइमेट, चाहे वो समुद्र में रहती है, ठंडे में रहती है, पर उसकी बॉडी का टेम्परेचर गर्म ही रहता है। एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन इज प्रोवाइडेड बाय द ब्लबर। ब्लबर का क्या क्या मतलब होता है? ब्लबर का मतलब होता है फैट। इनको एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन कैसे मिलती है? वेल के ऊपर बहुत फैट होता है, बहुत मोटी चमड़ी हो जाती है, ठीक है, उससे भी इनकी बॉडी गर्म रहती है, विच कीप्स देम वेन इवन इन द कोल्डेस्ट वाटर। कितना भी ठंडा पानी हो वेल गर्म ही रहेगी। भाई इतनी बात समझ में आई हो, थम्स अप दो, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट पेज। हाँ, दे गिव बर्थ, सही कह रहे हो, बिल्कुल, वो बच्चा देती है, बर्थ देती है। चलो दूसरे पेज पे आ गए हम, जल्दी से बताओ, छोटा सा रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन है, तेजी से पढ़ो और मीनिंग बताएं, मैं समझाऊंगा, 20 सेकंड ऐसे पढ़ने के लिए। हाँ भाई डन, बहुत बढ़िया। आप एक बार मैं मीनिंग बता देता हूँ, वेल ऑल्सो डिफर, देखो इसने बताया एक तो इस चीज़ में डिफरेंट होता है कि सारी मछलियाँ जो होती हैं वो अंडे देती हैं, पर ये अंडे नहीं देती, ये बच्चे देती हैं, ये गिव बर्थ, ठीक है। दूसरी चीज़ क्या है? वेल ऑल्सो डिफर फ्रॉम फिश इन देयर मैनर ऑफ ब्रीदिंग। तुम्हें पता होगा सारी मछलियों के गलफड़े होते हैं, वो गलफड़े से सांस लेती हैं, इनके गलफड़े नहीं होते, दे इक्विप्ड विद लंग्स इंस्टेड ऑफ, है ना, तो उसके पास क्या होते हैं? लंग्स होते हैं, फेफड़े, जैसे मेरे पास तुम्हारे पास फेफड़े हैं, ऐसे इनके पास भी लंग्स होते हैं, फेफड़े होते हैं। दे आर फोर्स टू होल्ड देयर ब्रेथ अंडर व्हाइल अंडर वाटर। सोचो पानी के नीचे इतने टाइम तक ये सांस रोक के रखती है, ठीक है। व्हेन अ व्हेल सप्लाई ऑफ फ्रेश एयर रन्स आउट इट मस्ट सरफेस टू ब्रीथ। और जब वे थक जाती है, जैसे हम स्विमिंग करते हैं पानी के नीचे जाते हैं अंडर वाटर, ठीक है, थोड़ी देर सांस रोक सकते हैं, फिर बाहर आते हैं सांस लेने के लिए, ऐसी वेल भी जो होती है सरफेस पे आती है, सतर पे आती है, सतर पे आके सांस लेती है, पर इसकी सांस बहुत लंबी होती है, फिर नीचे चली जाती है, ठीक है, अदरवाइज इट वुड ड्रोन, नहीं तो वो डूब जाएगी, मर जाएगी, तो सांस लेने ऊपर आती है। अनदर डिफरेंस इज द वे दे प्रोड्यूस रेयर यंग वंस। और क्या, हाँ दूसरा डिफरेंस क्या है कि भाई ये बच्चे देती है, बेबीज आर बॉर्न अलाइव, जिंदा बच्चे पैदा होते हैं और उनका ध्यान रखा जाता है, नर्स का मतलब क्या है कि उनका ख्याल रखा जाता है,
ऑन देयर मदर्स मिल्क, और अपनी माँ के दूध पे वो जीते हैं जैसे इंसान का बच्चा जीता है। और कह रहे हैं सेंचुरीज से, सेंचुरीज का मतलब क्या है, सैकड़ों सालों से जो इंसान है वो इनका शिकार करते आ रहे हैं अपने फायदे के लिए, प्रॉफिटेबल रीजंस के लिए ना। कुछ क्या करते हैं, इससे साबुन बनते हैं, कुछ लोग क्या करते हैं वेल का ऑयल आता है वो बहुत महंगा मिलता है, यहाँ तक कि वेल को खाया भी जाता है नॉर्वे और जापान में। भाई सब समझ में आ गया हो तो अब हम, मुझे लग रहा है क्वेश्चंस कर लेंगे धपड़ धपड़, समझे। तो क्या जबरदस्त सेशन मिला है हमें और कितना सीखने को मिला वेल के बारे में, व्हाट एन इंटरेस्टिंग इंटरेस्टिंग मैमल इट इज। हियर वी हैव द फर्स्ट क्वेश्चन, अब मुझे देखना है कौन चीता सबसे पहले आंसर बताएगा। अब तो गलत नहीं होगा ना, कौन चीता सबसे पहले आंसर बताएगा। गुड मॉर्निंग नीलम वर्मा एंड वेलकम टू द सेशन। ठीक है, जितने बच्चे लेट जुड़े हैं ना, एक बार बेटा पीछे जाके सेशन को देखो, पूरा रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन समझाया है। बहुत आसान क्वेश्चन है, सबने बी 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 लगा दिया। व्हाट आर वेल कंसिडर एज एनिमल, दे हैव लंग्स एंड दे आर नर्स बाय देयर मदर्स, इसलिए भी नहीं है। दे आर लार्जर, नहीं ये भी ब्लबर नहीं है, मेन आंसर बी है, बिल्कुल सही। जिसने बी लगाया खुश कर दिया मेरा भी दिल और अपनी आत्मा भी तरफ, बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए जल्दी जल्दी बताएंगे, एक नहीं तीन रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन बनाने हैं, है ना। तो सुबह सुबह उठेंगे हम और तीन रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, मतलब एक अच्छे स्तर पे हमने रीडिंग कर लिया। चलो दूसरा वाला बताओ जल्दी से, Why does a whale need to come out of water frequently? बार बार उसे पानी से बाहर क्यों आना पड़ता है, बताया था ना क्यों आना पड़ता है। हाँ जी, क्योंकि उसके लंग्स होते हैं और उसे सांस लेनी होती है, टू ब्रीद, है ना। बी इज द करेक्ट आंसर। समझ में आया तो थम्स अप दीजिए, डाउट है तो पूछिए। टी एस लिखते रहिए टाइगर सर, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन, आज तो सारे बच्चे बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं, आज मुझे लग रहा है तुम लोग कहर डाल दोगे रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में। चलो ये वाला बताओ, ये थोड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, इसमें तुम्हारा दिमाग लगेगा, ये तुम ऐसे नहीं बता पाओगे, है ना, क्योंकि इसका आंसर वहां पे नहीं है, बस आपको अंदाजा लगा के बताना है। इसका आंसर पैसेज में नहीं है, आपको अंदाजा लगा के बताना है। हाँ जी, ये जो idiom आता है ना, having whale of a time का मतलब होता है enjoying oneself thoroughly, खूब मजे करना, क्योंकि whale खूब मजे करती है, ठीक है, बच्ची भी देती है, इतनी बड़ी भी होती है। तो C is the correct answer, ना doing big things नहीं होगा, doing big things नहीं होगा। इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब होता है enjoying oneself thoroughly। समझ में आया, thumbs up दीजिए, doubt है तो पूछिए। ठीक है, ये कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जिनके लिए आपको idiom का मीनिंग पता ही होना चाहिए, तभी आप कर पाएंगे। तो जब आप इसका idiom का मीनिंग देखेंगे having a whale of time, तो मतलब आएगा enjoying oneself। जैसे मैं तुमसे पूछूं how's the party, कि पार्टी कैसी रही, समझ गए, तो तुम कह सकते हो I had A whale of a time। तुम कह रहे हो अरे मजा आ गया, I enjoyed oneself thoroughly, मैंने खूब मजे किए, समझ गए, तब आप इस सेंटेंस को यूज कर सकते हैं। बच्चा मेरे समझ में आता रहे, थम्स अप देते रहना, डाउट है तो पूछते रहना, बहुत शानदार। Here we have the next question, जल्दी से आंसर बताइए। अब ये बताओ, उसके ऊपर जो ब्लबर होता है, जो फैट होता है, मैंने बताया था ना ब्लबर का मतलब, ये जो उसके ऊपर ब्लबर होता है, ये फैट होता है, ये क्यों होता है वेल के ऊपर, जल्दी से। अब तुम अगली बार किसी से मिलने जाओ, या मिलो या फोन पे बात करो, वो तुमसे पूछे तुम्हें मुझसे बात करके कैसा लगा, तुम कह सकते हो आई हैड अ वेल ऑफ अ टाइम। चलो क्या कह रहा है, हाँ, टू मेंटेन बॉडी टेम्परेचर, जी हाँ, गर्म रखने के लिए अपनी बॉडी को। बाकी सारे के सारे गलत है और आपको कंफ्यूज करने के लिए दिए हैं, ए इज द करेक्ट आंसर। समझ में आता रहे, थम्स अप देते रहिए। नाउ वी हैव द लास्ट क्वेश्चन फॉर दिस, इसके बाद हम दूसरे रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पे जाएंगे। और मुझे बताइएगा किस किसने 515 स्कोर किया, आउट ऑफ 5 मुझे स्कोर बताइएगा।
Whales do not have gills, उनके गलफड़े नहीं होते, क्यों नहीं होते? जल्दी से बताओ। जी, गलफड़े इसलिए नहीं होते क्योंकि उनके फेफड़े होते हैं, दे हैव लंग्स। बी इज द करेक्ट आंसर, बाकी सारे गलत हैं और कंफ्यूज करने के लिए दिए गए। अब जल्दी से स्कोर बताओ मुझे आउट ऑफ फाइव। स्कोर बताएंगे आप, मैं बढ़ूंगा आगे। फोर है केसरी लाल के, फोर है काजल के, फाइव सुचित्रा ने कमाल कर दिया। केसरी लाल के फोर, मैं सबके फोर फोर देख पा रहा हूँ, तो अब मुझे अच्छा लग रहा है। ऐसे हम रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन समझ के करेंगे ना, तो हमें समझ के करना आ जाएगा। आपने वो कहावत सुनी होगी, गाते गाते भांड भी गवैया बन जाता है। इट्स वेरी सिंपल कि अगर आप रोज क्रिकेट खेलें, रोज क्रिकेट खेलें, तो किसी को बताना नहीं पड़ेगा आपको कि भाई इस बॉल पे स्क्वायर कट मारना है, इस पे कवर ड्राइव। बस प्रैक्टिस करिए। तो आप मेरे साथ लगे रहिए, हम चल रहे हैं दूसरे रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में। सबका स्कोर मुझे फोर दिख रहा है। क्या बात है, दिल खुश कर दिया तुमने। जिन्होंने पांच लाए हैं उन्होंने तो कमाल ही कर दिया। सो हेयर वी गो फॉर द फर्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, तो एक बार हम वैसे ही करेंगे, इसको अभी ऐसे ही छोड़ते हैं। एक बार वापस जाएंगे, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के क्वेश्चन पढ़ेंगे। चाहे तो हम इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर हम इनको शॉर्ट में याद रख सकते हैं अपने दिमाग में किसी भी तरीके से। जैसे द टू रीजंस व्हाई द नंबर ऑफ स्नो लेपर्ड हैज डिक्रीज, तो तुम्हें याद रखना है कि स्नो लेपर्ड डिक्रीज क्यों हो गए, इस बारे में। ये अगला रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन है हमारा। कोई बात नहीं भानु, आज गलत हुआ है तो कल सही होगा। इन व्हाट कॉन्टेक्स्ट डज द राइटर मेंशन द लायंस एंड द टाइगर्स। ठीक है, किस तरीके, क्या उसका मतलब था लायन टाइगर के बारे में बताने का, ये ध्यान रखना है आपको। अगला क्वेश्चन है, द स्नो लेपर्ड इज सो कॉल्ड बिकॉज, ये क्यों, मतलब स्नो लेपर्ड क्यों कहते हैं इसको, व्हाई इट इज कॉल्ड स्नो लेपर्ड। ठीक है भाई, अगला क्वेश्चन, द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पैसेज, मुद्दे की बात क्या है, कहना क्या चाह रहा है इस पैसेज से, ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना। इसका आंसर जो सही देगा वही सच्चा चीता कहलाएगा, याद रखना। और लास्ट क्वेश्चन है इस पैसेज का, द राइटर मेंशन द शेपो आइबेक्स एंड मैरमॉट, ये कुछ स्पेशल वर्ड्स हैं, इनको याद रखना। इनका नाम क्यों लिया है राइटर ने, इस पे क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, तैयार हो भाई? सो हियर वी गो फॉर द रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। आपको ध्यान से इसे पढ़ना है, और देखो ये प्रीवियस ईयर में SSC में पूछा गया है, अभी हाल ही में 2019 में। ठीक है, तो जब आप इसे गहराई से पढ़ लेंगे, एक बार डन लिख दीजिएगा, मैं इसका मीनिंग बता दूंगा। ऑल द बेस्ट। चलिए जल्दी से आंसर बताइए। जब आप एक बार इसे पढ़ लें तो डन लिख दीजिएगा, मैं आपको इसका मीनिंग बता दूंगा। आप डन लिखेंगे, मैं मीनिंग बता दूंगा। बहुत बढ़िया, देखिए क्या कह रहा है, लद्दाख के पास लायन नहीं है, टाइगर नहीं है। लद्दाख में ना आपको लायन मिलेंगे, ना टाइगर मिलेंगे, ना पैंथर मिलेंगे। ठीक है, लेकिन आपको वहां पे बहुत सारे लेपर्ड मिलेंगे। पेक्यूलियर का क्या मतलब होता है, पेक्यूलियर टू दिस रीजन, मतलब जो इसी के लिए है, टिपिकल है, टिपिकली इसी रीजन के लिए है। ठीक है, नाउ दिस इज स्नो लेपर्ड, ये स्नो लेपर्ड होता है, और ऑब्वियसली ये इसलिए कहलाया जाता है, कॉल्ड बिकॉज द एनिमल इज यूजुअली फाउंड नियर द स्नो लाइन। तो जो स्नो लाइन चल रही है ना हिमालय पे, जो सबसे ऊपर वाले पर्वत होते हैं, जहां पे बर्फ जमी रहती है, ये वहां पे पाए जाते हैं, इसलिए इन्हें स्नो लेपर्ड कहते हैं। एंड व्हेन सीन फ्रॉम अ डिस्टेंस, और जब तुम इसे दूर से देखो तो ऐसा लगता है एकदम व्हाइट और स्नोवी लगता है, कि बर्फ से कोई चीज बनी हुई है। द स्नो लेपर्ड इज समटाइम्स कॉल्ड द सेटेड चीता, इसे कभी कभी हम सेटेड चीता भी कहते हैं। सेटेड का मतलब होता है सेटिस्फाइड, सेटेड मतलब सेटिस्फाइड चीता भी बोलते हैं। द स्नो लेपर्ड As the name indicates, is essentially an habitat of high snowy mountains. कह रहा है, जैसे नाम से ही पता चल रहा है स्नो लेपर्ड, कि ये बहुत ही ऊपर माउंटेन्स में पाया जाता है,
कहाँ पे रहता है, इनहैबिटेंट कहाँ का है ये, कहाँ का रहने वाला है, हाई स्नोवी माउंटेन्स का, और अक्सर स्नोवी लाइन्स हिमालयास पे पाया जाता है बिल्कुल ऊपर। दे कैन बी ओनली सीन रेयरली, कह रहा है लेकिन दिखता है, मुश्किल से है, रेयरली मतलब मुश्किल से, क्योंकि ये कैसा होता है, नॉकटर्नल होता है, नॉकटर्नल मतलब रिलेटेड टू नाइट, रात में शिकार करता है, रिलेटेड टू नाइट, जैसे आउल होता है ना, जैसे बैट्स होती हैं, जैसे टाइगर होता है, जैसे लायन होता है, ऐसी स्नो लेपर्ड भी रात में शिकार करता है। बेटा मेरे समझ में आया हो तो हम पहुंचेंगे नेक्स्ट, रात में आता है सारे कांड करने। चलो अगले पेज पे आ गया मैं, इसे पढ़ने के बाद फिर से आप डल लिख देना। हाँ जी, तो ये क्या कह रहा है, एक बार डन लिखेंगे तो मैं इसे एक्सप्लेन कर दूंगा। डन। अब देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है देर हैज बीन डिमिनेशन इन देयर नंबर्स। डिमिनेशन का क्या मतलब होता है, डिक्रीज, है ना, डिक्रीज हो रहा है, इसका जो नंबर है वो दिन ब दिन डिक्रीज हो रहा है पिछले कुछ सदियों में, 10 सालों में, है ना। डिकेड्स का मतलब होता है 10 ईयर का पीरियड जो होता है उसको हम डिकेड बोलते हैं, और डिमिनेशन का मतलब क्या होता है, डिक्रीज होता है। अब क्या कह रहा है, क्यों, एज मच एज फ्रॉम द ग्रोइंग स्कार्सिटी ऑफ देयर नेचुरल प्रे, क्योंकि जिन चीजों का शिकार कर रहे हैं वो चीजें कम हो रही हैं, जो स्नो लेपर्ड खाता है वो चीजें कम हो रही हैं, इसलिए भूख से मर जाते हैं। और ड्यू टू ग्रेटर अवेलेबिलिटी ऑफ आर्म्स टू द नेटिव, और जो आसपास के लोग हैं उनके पास हथियार बहुत आ गया है, तो वो हथियार से क्या करते हैं, स्नो लेपर्ड का शिकार करते हैं, उन्हें मार देते हैं, ठीक है। कुछ लोग तो उसके फर के लिए, उसकी स्किन के लिए, उसके ऊपर जो बाल होते हैं, फर होते हैं, बहुत महंगा बिकता है, तो उसके लिए कुछ लोग मार देते हैं, और कुछ लोग ऐसी अपनी चौड़ी करने के लिए, हाँ आज मैंने तेंदुआ मार दिया, ऐसे वाले होते हैं। कुछ लोग इसलिए, जस्ट फॉर फन, मजे के लिए मार देते हैं। द स्नो लेपर्ड प्रेस हेविली ऑन द इनोसेंट फेलो डिनाइजेंस ऑफ द हिमालय, तो जो छोटे छोटे जानवर हिमालय में रहते हैं उन पे ये बहुत शिकार करता है, जैसे कि रैबिट होते हैं छोटे छोटे, या फिर जो भी छोटा जानवर होता है, या फिर छोटे छोटे डियर होते हैं, है ना। एक ही इसने भराल का नाम लिया है, भराल इज ऑल्सो काइंड ऑफ अ डियर जिसको ये खाता है, ऑफ हूम इट इज स्पेशली फॉन्ड, इसका बहुत, इसे बहुत अच्छा लगता है ये स्नो लेपर्ड को खाना, ठीक है। दूसरा है शापो, आइबेक्स एंड मारमॉट, ये छोटे छोटे जानवर होते हैं जो हिमालयों पे पाए जाते हैं, ठीक है, और इनका क्या करता है, लेपर्ड इनका शिकार करता है। दिस हैज मेड द एनिमल हुज अपीयरेंस डिस्टर्ब द एनिमल्स इन लोकेलिटीज फॉर डेज टुगेदर, तो इसलिए ना ये जानवर बहुत सारे कम हो गए हैं, और अल्टीमेटली फिर लेपर्ड भी कम हुआ है। इतनी बात समझ में आई हो, हम आगे बढ़ते हैं। हाँ, नेटिव का मतलब है वहां के निवासी। हाँ भाई, समझ में आ गया, आगे बढ़े। हियर वी हैव द फर्स्ट क्वेश्चन। देखो भाई, टिकोगे तो पाओगे और जाओगे तो जाओगे, बहुत सिंपल सी बात है। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का मतलब है टिकना। मैं सुबह सिर्फ 3 रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन करा रहा हूँ, तुम्हारे एग्जाम में 5 रखे होंगे, 5। CGL मेंस में 5 to 6 आते हैं, CPO मेंस में 5 to 6 आते हैं, तुम्हारा ये जो स्टेनोग्राफर होता है उसमें 3 से 4 रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आते हैं, तो कम से कम इतनी हिम्मत, इतना दम तो रखो यार कि कम 5 5 रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन कर सकते हो, 3 तो करना सीखो। चलो आंसर बताओ जल्दी से। टू रीजंस व्हाई द नंबर ऑफ स्नो लेपर्ड हैज डिक्रीज, हाँ जी, जितने लोगों ने ए बी सब लगाया सब गलत हो गए भाई, उसने मेरे बच्चा पूछा 2 रीजंस, तो 2 रीजन दोगे ना, तो 2 रीजन में क्या है, 2 रीजन में ये रीजन है, ये कब कहा कि वो कहीं और नहीं जा सकता, लेपर्ड तो रह सकता है कहीं और जाके, उसने कहा द एनिमल स्प्रेड्स ऑन हैव रिड्यूस्ड, एक तो वो जानवर कम हो गए जिन पे वो खाता है, दूसरी चीज क्या है,
उसको नेटिव लोग मार देते हैं। डी इज द करेक्ट आंसर, एकदम साफ साफ दिया हुआ है। गलत कैसे कर सकता है मेरा बच्चा? हाँ, जिस जिसने डी लगाया बस वही है सच्चा चीता। गलत कर दिया क्वेश्चन, समझ में आया थम सब दीजिए। ए वालों गलत हो गया, ध्यान से पढ़ो ना क्वेश्चन। अब तो तुम्हें मीनिंग भी पता है, अब तो नहीं कह सकते ना सर अंग्रेजी समझ में नहीं आती इसलिए गलत हुआ। अब तो ये पता चल गया तुम्हारा कॉमन सेंस इलावा है। पढ़ो ध्यान से क्वेश्चन, आंसर दो जल्दी। ये कौन बताएगा? प्रिया रानी ने बिल्कुल सही आंसर दिया, यहाँ पे केसरी लाल ने, मोहित प्रजापति ने। जी हाँ, इसका आंसर भी डी होगा। उसने जब शुरू में ही बोला ना कि क्यों नहीं पाए जाते, क्या क्या क्यों उसने बताया लायन और टाइगर्स के बारे में, उसने कहा ये लद्दाख में नहीं पाए जाते, तो पाए क्या जाता है, स्नो लेपर्ड है ना। डी इज दी करेक्ट आंसर। समझ में आता रहे, थम्स अप देते रहो, मैं आगे बढ़ता रहूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये कौन बताएगा? क्वेश्चन नंबर 8, आसान सा क्वेश्चन है, एकदम बता सकते हो इसे। नहीं, ड्रेडिड एनिमल उसने कब बोला कि ये बड़े खतरनाक होते हैं, खूंखार होते हैं? उसने बोला ही नहीं है ऐसा, अभी दिखा दूंगा कृष्ण। हाँ, अपने पास से लगाना ही नहीं है हमें। अभी पीछे जाके देखेंगे इसका आंसर, आपको समझ में आ जाएगा। हाँ जी, बिल्कुल सही बात है, इट इज फाउंड इन द हिमालय रीजन, और हिमालय पे स्नो होती है और दूर से ये व्हाइट दिखता है। यही दो रीजन है जिसकी वजह से इसे स्नो लेपर्ड कहा जाता है। ठीक है, तो सी इज द करेक्ट आंसर। ये मैजेस्टिक वर्ड का तो उसने कहीं इस्तेमाल ही नहीं किया है। साथ ही साथ हाँ, इसने ये भी नहीं कहा कि व्हाइट एनिमल ही खाता है ये, तो ये भी गलत है। तो आंसर हो जाएगा सी। समझ में आया, थम्स अप दीजिए, डाउट है तो पूछिए। नीतू भास्कर ने भी बिल्कुल सही जवाब दिया है, बहुत शानदार। एहसान रजा का भी ठीक हो गया, फरीद खान का भी ठीक हो गया, आशु कौशिक भी मौज में आ गई। अब क्वेश्चन नंबर 9 बताइए जल्दी से, सेंट्रल आइडिया ऑफ द पैसेज, ये बताइए। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आप सिर्फ तभी बता पाएंगे जब आपका दिमाग तेज चलता होगा, जब आपके पास कॉमन सेंस होगा और आप मुद्दे की बात निकालना जानते होंगे। हाँ जी, प्रिया रानी ने मुझे बिल्कुल सही आंसर दे दिया, और सभी का आंसर गलत है। आंसर हो जाएगा बी, द स्नो लेपर्ड एंड इट्स लाइफ। देखो, यही तो बताया उसने, लेपर्ड कहाँ पाया जाता है, फिर क्या खाता है, इसे स्नो लेपर्ड क्यों कहते हैं, अभी इसकी लाइफ कैसी चल रही है कि लोग इसे मार रहे हैं, नेटिव भी, और इसको खाने को भी नहीं मिल रहा है। तो ये बी यही पूरे पैसेज में बताया, तो स्नो लेपर्ड एंड इट्स लाइफ, बी इज द करेक्ट आंसर। बाकी सारे के सारे गलत हैं और तुम्हें कंफ्यूज करने के लिए दिए गए हैं। ठीक है, उसने सिर्फ ये थोड़ी बताया कि स्नो लेपर्ड और उसका शिकार, तो डी आंसर नहीं हो सकता, बी इज द करेक्ट आंसर। समझ आया, थम्स अप दीजिए। और देखो, यही बात तो बस दिल में चुप जाती है कि 515 नहीं आ पाते, एक क्वेश्चन कहीं ना कहीं गलत कर जाते हो, और मेरा टारगेट है तुम्हें 515 देना। बड़े भाई आ गए, अगला क्वेश्चन ये रहा तुम्हारे प्यार में, ए आंसर नहीं होगा एहसान रजा बिल्कुल भी। जहां डाउट आए खटाक से पूछिएगा। बहुत बढ़िया कृष्ण मिश्रा, बढ़िया दिमाग लगाया आपने, ऐसी इसमें दिमाग लगाना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10th आंसर बताइए। ये तो आसान है, बहुत आसान है, ये तो मैंने एक्सप्लेन भी किया था। हाँ, ये खाना है, ये शापो आइबेक्स और मारमोट, शापो आइबेक्स और मारमोट, ये खाना था स्नो लेपर्ड का, मैंने एक्सप्लेन भी किया था। टू नेम द एनिमल ऑन हुम द स्नो लेपर्ड प्रेज। ठीक है भाई, आसान था ना। अब जल्दी से आउट ऑफ 5 मुझे स्कोर बताओ इस वाले रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में भी, आउट ऑफ 5 जल्दी से स्कोर बता दो सारे बच्चे, फिर हम लास्ट रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पे जाएंगे।
फोर केसरी लाल के बहुत अच्छे। देखो ये बच्चे जो मेरे साथ टिके हुए हैं ना, इनका स्कोर भी बढ़ रहा है बहुत अच्छे। बाकी जल्दी जल्दी स्कोर बताओ, फिर नेक्स्ट रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन इंतजार कर रहा है। थ्री फरीद खान के, भानु चंद्र के फोर। अच्छा इस वाले पैसेज में थ्री भी आए हैं। देखो पहले वाले पैसेज में किसी के थ्री नहीं आए, इसका मैं रीजन बताता हूँ। जैसे जैसे तुम आगे बढ़ते जाओगे ना पैसेज रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में, तुम्हारा स्कोर नीचे जाता रहता है। उसका सिंपल रीजन है कि हमारे पास रीडिंग स्टेमिना नहीं होता। जब रीडिंग स्टेमिना नहीं होता तो हम एक ही रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पढ़ने का मन होता है, दूसरा तो पढ़ने का मन ही नहीं होता, और तीसरा कोई हमें पढ़वा दे तो हमें लगता है यही हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है। पर मैं बता दूं, जब तुम तीन रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, चार रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन एक साथ करते हो तभी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन बढ़िया हो पाते हैं, ठीक है भाई। क्योंकि पैसेज, क्योंकि तुम्हारे एग्जाम में सिर्फ पैसेज नहीं आता, बहुत सारी चीजें आती है, तो स्टेमिना बढ़िया होना चाहिए। आगे बढ़े फिर हम नेक्स्ट रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पे। तो मुझे चार 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 नंबर दिख रहे हैं, फरीद के तीन दिख रहे हैं, काजल के तीन दिख रहे हैं, आशु के तीन दिख रहे हैं, नीतू भास्कर के तीन दिख रहे हैं। तो अब हमें ये कोशिश करनी है कि तीन तो लाऊंगा ही नहीं, या तो चार या पांच, चार से कम नंबर नहीं लाने। तैयार हो? हाँ, ज्यादातर के तीन आए हैं। लेट्स गो फर्दर एंड हेयर वी हैव द नेक्स्ट रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। इसे हम बाद में पढ़ेंगे, पहले हम क्या करेंगे, और ये बड़ा भी है तो ये बहुत चैलेंजिंग होगा, इतना ज्यादा पढ़ना सुबह सुबह उठ के, है ना। तो यही तो तुम्हारी स्टेमिना और रीडिंग स्किल्स बढ़िया करेगा। सो हेयर वी गो, चले रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के क्वेश्चन देखते हैं जल्दी से। बेस्ड ऑन योर रीडिंग पैसेज आइडेंटिफाई द करेक्ट। तो ये तो इसका मतलब है तुम्हें रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन ध्यान से पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि ये चारों पढ़ भी रहोगे तो याद नहीं रहेंगे, ठीक है। तो बहुत ध्यान से पढ़ेंगे रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। कह रहे कौन से फैक्टर थे जिन्होंने मजबूर किया, कंपेल्ड का मतलब होता है मजबूर किया, सारे फाइटिंग नेशंस को कि वो यूटिलाइज करें किसका, सर्विसेज ऑफ फिजिकली हैंडीकैप्ड, है ना। तो ये वर्ल्ड वॉर की बात हो रही है भाई, वर्ल्ड वॉर सेकंड की, ठीक है, ये बात याद रखिएगा, पैसेज वर्ल्ड वॉर के सेकेंड के बारे में। क्या क्या इंप्रूव हो गया है साइंटिफिक इन्वेंशन और डिस्कवरी से, इसका ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन 11th में दिखा दूंगा, आप परेशान मत होइए, मैं दिखा दूंगा, वापस जाके दिखा दूंगा, जब तक 15 देख लो। बेस्ड ऑन योर रीडिंग ऑफ द पैसेज आइडेंटिफाई द करेक्ट सेंटेंस फ्रॉम द गिवन। तो इस तरह के दो सेंटेंस है, ध्यान रखिएगा। चलो लेट्स मूव फर्दर, एक बार 11th दिखाता हूँ आपको। ये रहा 11th। What is the motive of the writer in the present? अच्छा देखो ये क्वेश्चन बहुत अच्छे वाले क्वेश्चन है। अब मुझे इस वाले पैसेज में देखना है कि कौन सच्चा चीता है, कौन 515 लेके आएगा। तैयार हो भाई पढ़ने के लिए, ये आज का आखिरी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन है, इसी में हमें दम लगाना है। चलो हियर वी गो, फर्स्ट वन, ऑल द बेस्ट। जब आप इसे पढ़ लेंगे मुझे बता देना, मैं मीनिंग बता दूंगा। जैसे आप डन लिखेंगे मैं इसे एक्सप्लेन करना शुरू कर दूंगा। जो भागेगा वही पिलपिला होगा, बहुत सिंपल है कृष्ण मिश्रा। देखिए इन स्पाइट ऑफ रिग्रस प्रिकॉशंस, कह रहा है जो रिग्रस प्रिकॉशन लिए गए हैं कि एक्सीडेंट ना हो, है ना, बार बार हम प्रिकॉशन लेते हैं, कोशिश करते हैं कि एक्सीडेंट ना हो, फिर भी हो जाते हैं। मैनी पीपल आर इंजर्ड एवरीवेयर, फैक्ट्रीज में और अलग अलग जगहों पे लोग जो है इंजर्ड हो जाते हैं, एक्सीडेंट्स में इंजर्ड हो जाते हैं फैक्ट्रीज में अलग अलग जगहों पे। साथ ही साथ सम पीपल आर बॉर्न विद फिजिकल डिसेबिलिटीज, और बहुत सारे बच्चे बचपन से ही अपंग पैदा होते हैं, है ना। डिसेबल्ड का क्या मतलब होता है, अपंग, कोई ना कोई उनके अंदर ऐसी प्रॉब्लम होती है जिसकी वजह से वो नॉर्मल काम तो नहीं कर पाते पर कुछ और काम कर सकते हैं। दे आर आइदर ब्लाइंड, या तो वो बेचारे अंधे होते हैं, या डेफ या बहरे होते हैं, या फिर डिफॉर्म्ड होते हैं, हाथ तिड़ाए पैर तिड़ाए ऐसा कुछ है बचपन से। अप टू
क्वाइट रिसेंट टाइम्स, कह रहा है अभी तक बहुत ना के बराबर प्लानिंग हुई है, लिटिल का इस्तेमाल हुआ है, लिटिल का क्या मतलब होता है, ना के बराबर प्लानिंग हुई है, ये एक्शन लिया गया है कि ये जितने भी हैंडीकैप्ड बच्चे होते हैं इनको भी एम्प्लॉयमेंट दिया जाए। अब जिसके हाथ पैर पूरे सलामत है उनके पास एम्प्लॉयमेंट नहीं है, इंडिया में आप जानते हो एम्प्लॉयमेंट की मारामारी है, तो उनके लिए क्या ना बड़े कम एफर्ट किए गए हैं कि बेचारे जो लोग अपंग हैं उनको एम्प्लॉयमेंट मिल जाए। अ नंबर ऑफ चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन ट्राई टू हेल्प देम, तो बहुत सारे चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन हैं वो मदद करते हैं उनकी किस चीज़ में कि भाई इनकी इनकी मुश्किलों से लड़ने में, हार्डशिप्स जो इनकी आती हैं उससे लड़ने में, बट फ्यू, फ्यू का मतलब फिर क्या है, ना के बराबर, बहुत ही कम है जो सीरियसली इस आइडिया को अपने पास रखते हैं, पकड़ के रखते हैं कि ये जो लोग हैं माइट स्टिल हैव एबिलिटीज इन अदर डायरेक्शन, कि ये लोग कुछ कर लें, इनको भी कुछ करने के लिए मिल जाए, अगर ये नॉर्मल जिंदगी अपने पैसे से कमा के चाहिए तो ज़्यादा बढ़िया होगा। इतनी बात समझ में आई, थम्सअप दीजिए, ठीक है, फिर हम अगले पेज पर जाएंगे, आपका थम्सअप मुझे आगे बढ़ाएगा, बहुत शानदार। अब ध्यान से पढ़ो नेक्स्ट पेज, जब इसे पूरा पढ़ लोगे डन लिख देना तो मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। जब आप पढ़ लें इसके नीचे डन लिख दीजिएगा, मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। देखिए क्या कह रहे हैं, ओनली ड्यूरिंग द लास्ट डिकेड्स, मैंने अभी डिकेड का मतलब बताया था, पीरियड ऑफ 10 ईयर को हम डिकेड बोलते हैं, कह रहा पिछले कुछ 10-20 साल से सोसाइटी ने क्या दिखाया है, हैज स्लोली कम टू एक्नॉलेज इट्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज, समाज ने अपनी जिम्मेदारियां समझी हैं कि इनके प्रति, ये जो बेचारे हैंडीकैप्ड बच्चे होते हैं या लोग होते हैं, ताकि और पहचाना है कि इनको भी ट्रेन किया जा सकता है, पीपल कैन बी ट्रेन्ड टू प्ले अ यूजफुल पार्ट, कि वो हमारी इकोनॉमी में भी और हमारी जो सामाजिक जिंदगी है उसमें भी हमारे हमारे साथ चल सके। और जो वर्ल्ड वॉर है इसने इस चीज़ को एक उछाल दिया था, इम्पेटस, इम्पेटस का क्या मतलब होता है कि एक उस साल एक सर्ज, एक इंक्रीज दिया था, कैसे कि 1939 से 45 वर्ल्ड वॉर में, जो वर्ल्ड वॉर सेकंड की बात कर रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा प्रेशर था, लोगों के पास लेबर नहीं थी, तो लेबर मजबूर थी, तो जितने भी फाइटिंग नेशंस थे वो देश जो वर्ल्ड वॉर सेकंड में जिन्होंने हिस्सा लिया था और लड़ रहे थे, तो उन्होंने सर्विसेज किससे ली, उन्होंने हैंडीकैप लोगों को बुलाया, ठीक है, और उनसे कुछ काम कराए, और वो काम कराए जो उनकी कैपेबिलिटीज के अंडर थे। फॉर एग्जांपल, कोई चल नहीं सकता पर बैठ के गोली तो चला सकता है, ठीक है, या फिर किसी का हाथ खराब है तो वो पैर से तो कुछ कर सकता है, इस तरह की सर्विसेज उनसे ले ली। अ मैन माइट हैव लॉस्ट द यूज ऑफ हिज लेग्स, देखो आगे बता रहा है उसकी टांगे खराब हो गई हैं, बट अपने हाथों से वो स्किल काम कर सकता है, तो हाथों से काम करा लिया, है ना। ऐसे कोई कोई है जो अपनी आंखों से देख नहीं सकता, ठीक है, पर फिर भी बहुत सारी चीजें हैं जो वो देखे बिना कर सकता है, और बाकी सारी चीजें हैं जिनके थ्रू उसे एम्प्लॉयमेंट मिल सकता है, वो एम्प्लॉय हो सकता है और वॉर में उनका साथ दे सकता था। तो ये चीज फाइटिंग नेशंस ने समझी और उनको काम दिया। कह रहा है रीसेंट सालों में साइंटिफिक साइंटिस्ट ने भी बहुत सारे आविष्कार कर दिए, इन्वेंशंस कर दिए हैं और खोज कर दिए हैं, जिससे क्या हुआ है कि जो डिसेबल्ड लोग थे इनकी पीड़ाएं कम हुई हैं।
अब लोग बहुत ज्यादा बहरे पैदा नहीं होते, वो ठीक हो जाते हैं, सम फॉर्म ऑफ पैरालिसिस एंड अदर फिजिकल हैंडीकैप। तो इन सब की मदद की है किसने? साइंटिफिक इन्वेंशंस ने, मेडिकल साइंस ने। ठीक है, साइंटिस्ट वर्किंग इन एसोसिएशन विद इंजीनियर्स, इंजीनियर्स के साथ काम कर रहे हैं साइंटिस्ट, और वो एक डिवाइस कर रहे हैं। डिवाइस का मतलब क्या होता है? यहाँ पे प्लान कर रहे हैं, ऐसी ऐसी चीजें बना रहे हैं जिससे हैंडीकैप को भी काम दिया जा सकता है। ठीक है, मैकेनिकल लिम्स बना रहे हैं। आपका हाथ कट गया तो आपने देखा होगा वो आयरन का लगा देते हैं, ठीक है, मैकेनिकल लिम्स है वो काम करेगा। और ये हेयरिंग एड्स आ जाते हैं, अगर आपको सुनाई नहीं देता तो हमने देखा होगा दादाजी वादाजी के कान में लग जाते हैं, मशीन लग जाती है, सब सुनाई आता है ना। इतनी बात समझ में आई हो थम्स अप दीजिए, डाउट है तो पूछिए। प्लेथोरा ऑफ राइस सैक्स वर बीइंग लोडेड, हाँ बिल्कुल सही सेंटेंस है, कोई दिक्कत नहीं है बेटा। मैं क्या पढ़ा रहा हूँ और तुम क्या पूछ रहे हो, कैसे कैसे बच्चे होते हैं, क्या बोलूं मैं इनको। हाँ भाई पढ़ लो तो डन लिख देना, नेक्स्ट उस पर जाएंगे। आकांक्षा वेलकम टू द सेशन एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन है, जल्दी से आंसर बताइए। मोटिव ऑफ द राइटर क्या है प्रेजेंट पैसेज में, ये कौन बताएगा? सोच समझ के, मोटिव ऑफ द राइटर कभी भी लिखा नहीं होता पैसेज में, ये खुद कॉमन सेंस से और दिमाग लगा के बताना होता है। कौन बताएगा भाई, कौन बताएगा? प्रिया रानी ने सबसे पहले आंसर दिया है मुझे सी, मैं अभी दूसरों के आंसर भी देखना चाहता हूं। जी हाँ, अब सुनिए, जितने बच्चों ने आंसर लगाया है सी, बस वही है, पूरा पैसेज एकदम पॉजिटिव था। तो वो ये तो कभी बोलेगा नहीं कि बर्डन थे सोसाइटी पे, कब बोला उसने बर्डन थे सोसाइटी पे? उसने कहा वो एक काम नहीं कर सकते तो दूसरा कर सकते हैं, ठीक है, ये बात उसने बोली। पर उसने वर्ल्ड वॉर का एग्जाम्पल दिया, तो उसने ये दिखाया कि इनको इस्तेमाल किया जा सकता है। वॉन्ट टू इंडिकेट दैट फिजिकली इफ हैंडीकैप्ड पीपल आर बींग इनकॉर्पोरेटेड, है ना, उनका तभी भी इस्तेमाल हो रहा है। तो बाकी सारे गलत हैं, सी इज द करेक्ट आंसर। समझ में आया, थम्स अप दीजिए, डाउट है तो पूछिए। अच्छा मेरे बाद जिसने आंसर दिया ना उसका वैलिड नहीं होगा, मेरे से पहले आंसर देना है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, है ना, तो पूरे पैसेज में उसने यही तो बात करी है कि भाई अगर तुम जन्मजात अंधे भी हो तभी भी तुम्हारा काम लिया जा सकता है और तुम सोसाइटी का पार्ट बन सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, आंसर बताइए। जल्दी से आंसर बताइए, कौन बताएगा? मेरे बाद आंसर दोगे तो इनवैलिड होगा। आज सबसे खतरनाक फॉर्म में लड़की है प्रिया रानी, सबसे तेज आंसर दे रही है और बिल्कुल सही आंसर दे रही है। जी हाँ भाई, डी इज द करेक्ट आंसर। एनजीओ की कोई उसने बात नहीं कही, कहीं नहीं कहा कि कोई चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन हेल्प नहीं कर रहा, और ये भी नहीं कहा कि नंबर ऑफ के किसी को निग्लेक्ट किया जा रहा है या कुछ। उसने सिर्फ बताया कि कैसे अच्छा किया जा सकता है और हम कर रहे हैं, और डी इज द करेक्ट आंसर। समझ में आया, थम्स अप दीजिए, डाउट है तो पूछिए। देखो करने लगे ना अब तुम टेढ़े क्वेश्चन भी करने लगे, इसीलिए मैंने कहा जो टिके वो पाएगा और जो जाएगा वो जाएगा। आगे बढ़े, थम्स अप देते रहिए, मैं आगे बढ़ता रहूंगा। Here we have the next question. मेरे बाद आंसर देने वाले का आंसर वैलिड नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर बताइए। ये तो बहुत आसान है, जल्दी से बता दो। टीएस लिखोगे मैं आगे बढ़ूंगा। हाँ भाई, और इस बार सबसे पहला आंसर काजल ने दिया है, क्या बात है। सही आंसर सबसे पहले काजल का आया, फिर केसरी लाल, फिर कृष्ण मिश्रा, प्रिया रानी, अनमोल, आशु कौशिक, सुचित्रा, सब ने सही आंसर दिया। जी हाँ, शॉर्टेज ऑफ अदर रिसोर्सेज, है ना, यही तो उसने बोला था, ये सब कुछ बोला ही नहीं है।
ठीक है, एक बार पीछे जाके देखोगे समझ में आ जाएगा, बी इज द करेक्ट आंसर। समझ में आया थम्स अप दीजिए, डाउट है तो पूछिए, आसान है ना, बी इज द करेक्ट आंसर। शॉर्टेज हो गई थी रिसोर्सेज की, तो उन्होंने सोचा जो पैर से काम नहीं कर सकते उनसे हाथ से करा लेते हैं, है ना। देश में कैसे योगदान करोगे तुम अगर कभी वर्ल्ड वॉर हो गई तो। नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत बढ़िया, कृष्ण मिश्रा ने मुझे लग रहा है सारे गलत कर दिए, इसकी स्पाइलीज बता रही है सब गलत करके बैठा है, ए बी वाले सबका गलत हो गया। नहीं सबका गलत नहीं है, सबसे ऊपर देखो जिन्होंने आंसर दिए ए ए सबने सही आंसर दिया, बी बी इज द करेक्ट आंसर। शॉर्टेज ऑफ रिप्लाई, कैपेबिलिटीज ऑफ हैंडीकैप्ड नहीं था। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 बताइए जल्दी से, सबने ए दिया तो सबका गलत हुआ। ये कौन बताएगा, ये बढ़िया क्वेश्चन है, दिमाग लगाओगे तो बता पाओगे, दिमाग नहीं लगाओगे तो नहीं बता पाओगे। ठीक है, बहुत आसान है, मैं तुम्हें दिखा भी दूंगा पीछे जाके कि ये आंसर उसने कहाँ दे रखा है। ठीक है, उसने दो चीजों की बात करी है, फिजिकल वीकनेस और स्पीच की बात नहीं हुई है, ए वालों सबका गलत हो गया। ठीक है, कलर ब्लाइंडनेस एंड हियरिंग इंपेयरमेंट, ठीक है उसने, हाँ उसने कलर ब्लाइंडनेस की तो कोई बात ही नहीं करी है, कहीं आया ही नहीं है कलर ब्लाइंडनेस, पूरे पैसेज में कहीं नहीं आया, तो ये भी आंसर नहीं हो सकता। हियरिंग इंपेयरमेंट उसने कहा ना एड लग जाती है, और फिजिकल वीकनेस उसने इसी की बात करी है, विजन का मतलब आई से होता है, तो इसका भी कोई बात नहीं करी है। मैं एक बार पीछे ले जाके तुम्हें प्यार से दिखाता हूँ, सी इज द करेक्ट आंसर। देखो यहाँ पे सही किया है, ये देखो, थैंक्स टू द इन्वेंशन ऑफ मैकेनिकल लिम्स, मैकेनिकल लिम्स मतलब हाथ पैर लगेंगे, है ना, तो फिजिकल वीकनेस हो गई, और हियरिंग एड्स आगे उसने बोला ना, हियरिंग एड्स, तो सी इज द करेक्ट आंसर। समझ में आया थम्स अप दीजिए, डाउट है तो पूछिए, अगले क्वेश्चन पे जाएंगे। ठीक है, इसीलिए मैं कह रहा था तुम्हारा तीसरा वाला सबसे ज्यादा गलत होगा, पहला वाला सबसे अच्छा गया, दूसरा थोड़ा उससे डिफिकल्ट, और तीसरे में तो तुम्हारी बैंड बज गई, बिकॉज यू आर नॉट, यू नो यू आर नॉट फॉन्ड ऑफ रीडिंग, क्योंकि आप रीडिंग के लिए बहुत अच्छे नहीं है। क्वेश्चन नंबर 15 जल्दी से आंसर बताओ, बेस्ड ऑन योर रीडिंग ऑफ द पैसेज आइडेंटिफाई द करेक्ट सेंटेंस फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस। ये कौन बताएगा, बेस्ड ऑन योर रीडिंग ऑफ द पैसेज आइडेंटिफाई द करेक्ट सेंटेंसेस फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। देखिए ए वाली बात तो उसने साफ साफ बोली है, तो इसको तो आप नकार नहीं सकते, तो ए वाली बात को तो आप अपने पास अभी रोक कर चलेंगे। साइंटिस्ट एंड डॉक्टर्स वर्क, साइंटिस्ट एंड डॉक्टर्स नहीं बोला, साइंटिस्ट एंड इंजीनियर्स बोला था, साइंटिस्ट एंड इंजीनियर्स बोला था, तो ये भी गलत हो गया। साइंटिस्ट अलोन ये तो उसने कहीं बोला ही नहीं है। ड्यूरिंग वॉर फिजिकली हैंडीकैप्ड पीपल प्लेड अ मेजर रोल इन द विक्ट्री, उसने विक्ट्री की बात ही नहीं करी है, कौन जीता कौन हारा उसकी बात ही नहीं करी है, ए इज द करेक्ट आंसर। तो सच्चा चीता वो है जिसने ए लगाया है। अब जल्दी से मुझे आउट ऑफ 5 आउट ऑफ 15 कंप्लीट स्कोर बताओ, ये सिर्फ उन बच्चों के लिए है जो मेरे साथ बिल्कुल शुरू से टिके हुए हैं, तो आउट ऑफ 15 जल्दी से स्कोर बता दो मुझे अपना, मैं एक बार तुम्हारे स्कोर्स देख लूं, फिर मैं मुझे ये भी बताओ कि इस सेशन में तुम्हें कैसा लगा, क्या तुम चाहते हो कि इस सेशन में हर दिन लेके आऊं, जैसे आज मैं रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन लेके आया हूं, कल मैं क्लोज टेस्ट लेके आऊंगा, और फिर परसों पीक्यूआरएस लेके आऊंगा, या कल पीक्यूआरएस लेके आऊंगा, और फिर अगले दिन उसके आपको क्लोज टेस्ट मिलेगा, तो तुम मुझे बताओ कि सेशन कैसा लगा। चलिए, तो आकांक्षा सिर्फ 4 ही क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाई, 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाई है, वेल्डन केसरी लाल 11, ठीक है, नॉट अ वेरी गुड स्कोर, मैं यहाँ पे एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कम से कम मिनिमम 12 प्लस 13, ठीक है, तो 13, राजन जवाब नहीं रखा बेटे, मौज कर दी, ठीक है, हाँ कृष्ण 9 बहुत अच्छे, 11 अच्छा, प्रिया रानी 12, आशु कौशिक 11, कृष्ण मिश्रा 9 आए हैं तुम्हारे, कभी तुम 15 बता रहे हो, अच्छा राजन के 13 है, वेल्डन, चलो अनमोल के 12, केसरी लाल के 11, 11, 11 देख पा रहा हूँ, 12 अनमोल,
हाँ जी, आज अन अकेडमी पे जो क्लास है ना आपकी, वो 12:15 बजे है। अभी मैं आपको बताता हूँ। अमेजिंग सेशन, खुश हो गए बच्चे? बस तो ठीक है, अगर तुम्हें ये पसंद आता है तो मैं रोज करूँगा, ठीक है? हाँ, तो एक बार मैं तुम्हें तीन चीजें बताता हूँ जिसका ध्यान रखना है। पहले तो कि मेरी 12:15 बजे अभी क्लास है अन अकेडमी ऐप पे, ठीक है? अन अकेडमी ऐप पे ये क्लास क्या है, ये है बेटा मॉक टेस्ट। अगर तुम्हें लगता है सर मुझे तो सब आता है, तो आओ मॉक टेस्ट में और टॉप 10 में स्कोर करके दिखाओ। ये मॉक टेस्ट उन्हीं बच्चों के लिए है। अच्छा, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन 8:00 बजे मैंने आपको करा दिया, ठीक है? इसमें कल मोस्ट प्रॉब्ली मैं PQRS कराऊंगा या फिर क्लोज टेस्ट कराऊंगा, एक दिन में अब एक ही चीज होगी, ठीक है? CET और CGL वाला कॉन्सेप्ट बैच 11 बजे चले गई। 11 बजे मैं आपको क्या पढ़ाने जा रहा हूँ, आप जानते हैं मॉडल्स चल रहा था, तो आज कंडीशनल चलेंगे। कंडीशनल सेंटेंसेस नया टॉपिक स्टार्ट हो रहा है, जिसको बेसिक से पढ़ना हो वो आ जाइएगा कंडीशनल सेंटेंसेस में, ठीक है? 3 बजे मैं वोकैबलरी कराता ही हूँ, यह हमारा रैली का सेशन है। इसमें आज ईडियम्स का नंबर है, तो आ जाइए कमर कस के। ये तीनों सेशन आपके होंगे यूट्यूब चैनल पे, जितने भी ब्लैक से लिखे हैं ये यूट्यूब पे होंगे। यूट्यूब पे हमारा जो चैनल है लेट्स क्रैक CET, जिसपे आप अभी पढ़ रहे हैं। और जितना बच्चा मेरे साथ नया जुड़ा है, मेरे सारे सेशंस के बारे में पूरी नॉलेज जानना चाहता है, तो वो मेरे जो ऑफिशियल टेलीग्राम ग्रुप है उसमें आ सकते हो, मैं आपकी आत्मा तृप्त कर दूंगा। GD कांस्टेबल वाला सेशन अभी मैंने बंद कर दिया है, क्योंकि उसमें क्राउड बहुत ज्यादा नहीं आ रहा था। उसी को चेंज करके मैंने ये रीडिंग स्किल्स वाला बैच स्टार्ट किया। जहां बच्चे आएगा उस सेशन को मैं चलाऊंगा, जहां नहीं आएगा मुझे समझ आ जाएगा बच्चा इंटरेस्टेड नहीं है, ठीक है? चलो, थैंक यू सो मच। नहीं, आज नहीं है 9:30 वाला बैच, ठीक है? आज नहीं है, कल से 9:30 वाला भी होगा। अभी 12:15 बजे अन अकेडमी पे क्लास है, वो जरूर देख लेना। तो लव यू ऑल, टेक केयर, अपना ध्यान रखिएगा। अगली क्लास में मिलते हैं, बाय बाय।